हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में जो इंसेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टोमेटो में दोस्तों थ्रिप्स है। और थ्रिप्स टोमेटो के अलावा लगभग सभी वेजिटेबल क्रॉप्स में इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो थ्रिप्स टैबेसाई है, और ये इसकी जो स्पीसीज है, इसकी जो क्लास है या इसकी जो रेस है वो है। और दोस्तों, वाइट फ्लाई की तरह ही ये रस चूसने वाली कैटेगरी में शामिल होता है। तो आइए दोस्तों, इस इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम इस वीडियो में जानते हैं। बेसिकली हम सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, और सकिंग पेस्ट वो होते हैं दोस्तों जो पत्ती, स्टेम, फ्लावर, बड या फिर फ्रूट से रस चूसने का काम करते हैं। जनरली दोस्तों, इनकी तीन स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इस थ्रिप्स के केस में है, इसका सबसे पहले इसका एडल्ट होता है। यहाँ पर आप इसका एडल्ट देख सकते हैं। उसके बाद एडल्ट दोस्तों एग लेइंग का काम करता है, यानी कि अंडे देता है, और अंडे से निकलता है निम्फ। तो इसमें दोस्तों लार्वी या फिर जो प्यूपा होता है वो वाली स्टेज नहीं होती, निम्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्फ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। निम्फ इसका येलो कलर का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो कलर का है। ये इसका एंटीना है, ये इसकी आईज हैं, और जो इसका एडल्ट होता है वो डार्क कलर का होता है, फ्रिंज्ड विंग्स होती हैं। ये इसका एडल्ट है, और इसकी विंग्स अगर आप देखें तो यहाँ से इसकी विंग्स फ्रिंज्ड हैं। ये इसका एडल्ट है। और दोस्तों, अगर इसके हम डैमेज सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन का मार्क होता है वो दोस्तों होता है इसकी सिल्वरी स्ट्रीक। ये लीफ के ऊपर या फिर जो सॉफ्ट फॉलियज पार्ट होता है उसके सरफेस पे सिल्वरी स्ट्रीक्स बनाता है। आइए दोस्तों, सिल्वरी स्ट्रीक्स को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। ये आपके सामने दोस्तों एक इमेज है, ये टोमेटो की लीफ है। आप इसके ऊपर देखिए कि यहाँ पर सिल्वरी कलर की ये स्टिक्स बना रखी हैं, और यहीं से इसका क्लोरोफिल ख़त्म होता है, और अल्टीमेटली जो प्लांट होता है वो दोस्तों डाई हो जाता है, यानी कि सूख कर मर जाता है। चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इसके डैमेज सिम्टम्स में जो पहला हमने आइडेंटिफिकेशन मार्क देखा था वो सिल्वरी स्टिक देखा था लीफ की सरफेस पे, प्री मैच्योर ड्रॉपिंग इसके बाद फ्लावर्स की भी हो जाती है, और दोस्तों लीफ की भी हो जाती है। बड जो होता है दोस्तों, बड में इसके नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है, बड नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, ज़्यादातर सकिंग पेस्ट किसी ना किसी वायरस के लिए वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि दोस्तों जाने अनजाने में वायरस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, एक लीफ से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुंचाने का काम करते हैं। और टोमेटो के केस में जो ये थ्रिप्स है, ये स्पॉटेड विल्ट वायरस को कैरी करता है, यानी कि फैलाने का काम करता है। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात, सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो एडल्ट और निम्फ का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। फ्रूट्स के ऊपर अगर इसकी डैमेज की बात करें तो ये फ्रूट है, और इसके ऊपर इन्होंने सिल्वरी स्टिक्स या जो स्क्रैचेस होते हैं वो बना रखे हैं, और फ्रूट को अनहेल्दी इन्होंने बना दिया है। कंट्रोल मेजर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो सकिंग पेस्ट होते हैं इनको हम बेसिकली नीम ऑयल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम नीम ऑयल का रेगुलर स्प्रे करें तो नीम ऑयल से भी ये सकिंग पेस्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। जब जब दोस्तों टेम्परेचर बदलता है, सर्दी से गर्मी या फिर गर्मी से सर्दी आती है, तो ये सकिंग पेस्ट एक्टिव हो जाते हैं। और अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में हम कंट्रोल की बात करें तो अगर किसी प्लांट्स के ऊपर थ्रिप्स का अटैक है, वायरल कन्वर्जन हो चुका है, तो मैकेनिकली उसको अपरूट करें और फिर उसको किसी पॉलोथीन में डाल के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं वाइट फ्लाई के लिए भी, और जो ये सकिंग पेस्ट बाकी के हैं जैसे थ्रिप्स, एफिड, जैसिट, ये अट्रैक्ट होते हैं येलो स्टिकी ट्रैप्स की तरफ। 15 आपको एक हेक्टेयर में लगभग स्टिकी ट्रैप्स लगाने हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इसका है, क्राइसोपरला कॉर्निया की मदद से। ये एक इंसेक्ट है जो इसके ऊपर फीड करता है, किसी ना किसी तरह से इसके अंडों को डिस्ट्रॉय करता है या फिर इसके निम्फ को डिस्ट्रॉय करता है।
10,000 आपको एक हेक्टेयर में यूज करने हैं। ये कार्ड्स के ऊपर हमें इस तरह के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो नीम ऑयल के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं मिथाइल डेमेटोन 25 EC, ये जो टेक्निकल है आप इसका यूज कर सकते हैं। 1 लीटर एक हेक्टेयर में आपको यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों आप डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों इसके अलावा इसको आप कंट्रोल करने के लिए इमीडा क्लोप्रिड का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके कंट्रोल मेजर्स थ्रिप्स के। और थ्रिप्स जो होता है ये काफ़ी डैमेजिंग और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में काफ़ी नुकसान करता है। बेसिकली वेजिटेबल्स में इसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ थ्रिप्स के बारे में समझ में आया होगा, इसके डैमेज सिम्टम समझ में आए होंगे और इसका कंट्रोल के बारे में कुछ पता चला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।